चाहिए, वही यार्ड स्टिक यूज होनी चाहिए जो हमने एडल्ट्स के लिए करी थी। जी इसीलिए ये जायज है और ये अभी अप्रूव तो हुआ है। अभी उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कितने जल्दी वो रैंप अप कर सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर त्रेहन, अगर 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 आपसे ये जानना चाहें, आपको क्या लगता है कि जितने छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 साल से लेकर के स्पेशली 8-9 साल तक के बच्चों को, अगर उनको क्या लगता है जब तक फुली हमारे देश में ये बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हैं, क्या उससे पहले स्कूल खोलना या इन बच्चों का स्कूल जाना सही होगा? नहीं देखो, ऐसा है कि स्कूल तो खुले भी हैं और आहिस्ते आहिस्ते जो प्रिकॉशन के साथ आगे चल रहे हैं, तो अभी तो मैं जैसा है कि एक हमें बहुत केयरफुल रहना है छोटे बच्चों के लिए, ये क्योंकि उनका उनका डिसिप्लिन रखना, अपने आप की मास्किंग करना या उनको अपनी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करना छोटे बच्चों के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए जैसे जैसे वैक्सीन होती जाएगी हमें भी वो कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि स्कूल खोल सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अननेसेसरी रिस्क हो बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो मैं जरा अभी ऑपरेशन थिएटर में हूँ। बिल्कुल जी, अब जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर त्रेहन चेयरमैन मेदांता अस्पताल के, उन्होंने भी इस बात को वेलकम किया है, एक तरह से स्वागत किया है। बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही बड़ी खबर है बच्चों के लिए, खासकर के पेरेंट्स के लिए भी राहत की खबर है कि अब 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लग सकेगा। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आज तक।